बजाज ऑटो के वालूस फैक्ट्री में कोरोना का विस्फोट हुआ है। बजाज ऑटो ने अभी फैक्ट्री बंद करने से इनकार कर दिया है। सक्रिय मामलों की संख्या 65,829 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर बजाज ऑटो के वालूस फैक्ट्री में कोरोना का विस्फोट हुआ है। फैक्ट्री में 140 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से दो कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। दोनों कर्मचारियों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की शिकायत बताई जा रही है। दूसरी तरफ बजाज ऑटो ने अभी फैक्ट्री बंद करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इस फैक्ट्री में 8,000 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। इस फैक्ट्री में लॉकडाउन के वजह से बंदी के बाद 24 अप्रैल से उत्पादन शुरू हुआ था। 6 जून को यहां पर कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। पहले तो फैक्ट्री के 79 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए और फिर संख्या बढ़कर 140 हो गई। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 5,024 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 175 लोगों की मौत हो गई। इन 175 में से 51 मौतें पिछले 48 घंटे में हुई है और 84 मौतें उससे पहले की है, लेकिन आज रिपोर्ट की गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 65,829 है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।